हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फन विद पैरोबिट। तो आज मैं आपको मेरे जितने भी पेट्स हैं उनकी मॉर्निंग रूटीन दिखाने वाली हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ गेट खोलने। अभी सुबह के 5:30 बजे हैं, तो आज मेरा नींद जल्दी खुल गया, तो मैं इनको जल्दी ही खोलने जा रही हूँ। तो यहाँ पे ये लोग रहते हैं, ये देखिए खरगोश निकल गया था। और ये वाला जो जाली है उसको हमने कूलर से बनाया है, जो पुराना कूलर था उसमें। और अभी सारे खरगोश निकल गए, ये यहीं पे खुले ही रहते हैं दिन भर पूरे। इनको हम सिर्फ रात में अंदर करते हैं और ये ऐसे ही घूमते रहते हैं। और मैं आपको चारों तरफ दिखाती हूँ कि हमने उसको कैसे कवर करके रखा है। तो आप देख सकते हैं हम पूरा इसको जाली से कवर करके रखे हैं, क्योंकि एक बिल्ली आता था बड़ा वाला, तो वो बिल्ली आके जितने भी खरगोश रहते थे सभी खरगोश को काट देता था। तो एक बार ऐसा हुआ था कि जो जाली था वो टूट गया था, तो वहाँ से वो बिल्ली अंदर आ गया था और जितने भी 4-5 खरगोश बाहर थे तो वो सभी खरगोश को मार दिया था। और जो छोटे खरगोश थे वो बच गए थे क्योंकि वो अंदर थे। तो तब से हम उसको कवर ही रखते हैं। और अब मैं आपको गिनी पिग को दिखा रही हूँ। ये लोग बहुत आवाज़ करते हैं, जब भी हम गेट वगैरह खोलते हैं तो इनको पता चल जाता है कि आ रहे हैं करके। और जब भी मैं इनके गेट को खोलती हूँ तो सबसे पहले जो भी इनका खाना पानी वगैरह रहता है वो बाहर निकाल देती हूँ, फिर मैं इसमें नया पानी वगैरह डालती हूँ, थोड़ा इनके साथ खेलती भी हूँ मैं। चलिए मैं अभी आपको गिनी क्रुएला से मिलवा रही हूँ। ये देखिए हमारी क्रुएला, इसके आधे फेस पे ब्लैक है और आधे पे पूरा वाइट है, एकदम क्रुएला के जैसे। और ये लोग बहुत तेज़ भगते हैं, जल्दी पकड़ाते भी नहीं हैं। और अभी आप देख सकते हैं इनको कैसे कर रहे हैं, इनको अभी खाना चाहिए। तो अभी पहले मैं इनके में पानी रखूँगी, फिर मैं इनको घास वगैरह दूँगी। आप देख सकते हैं कि ये कैसे एकदम खड़े होकर देख रहे हैं मेरे को, क्योंकि इनको पता है ना कुछ खाने के लिए मिलने वाला है, तो ये ऐसे ही करते हैं। और आप उनकी आवाज़ सुन सकते हैं। तो ये मैंने पानी रख दिया, वैसे ये लोग बहुत कम पानी पीते हैं। मैंने इनके लिए वाटर बॉटल भी ख़रीद के रखा था, तो जब उसको लगाई थी ना मैं, तो ये लोग पूरा उसको काट डाले। और देखिए दो खरगोश बाहर आ गए। आप हमेशा घास वगैरह जब भी लाते हैं तो उसको गीले कपड़े से ऐसी कवर करके रख दीजिएगा, उससे जो घास रहते हैं वो हरे ही रहते हैं। और जो मेरे खरगोश लोग हैं, ये लोग जो केले का पत्ता रहता है उसको भी खाते हैं, तो मैं उसको भी दे देती हूँ। तो अब मैं यहाँ से अंदर जाऊँगी, क्योंकि बार बार मैं अंदर बाहर नहीं कर सकती ना, तो अंदर से हमने नेट को एक जगह से फाड़ के रखा है जैसे कि आप देख सकते हैं, और वहीं से हम इनको पानी वगैरह देना रहता है तो देते हैं। और अभी मैं इनको घासती हूँ, आप देखिए कैसे कर रहे हैं ये। और आप अपने रैबिट गिनी पिग को हे भी दे सकते हैं। हे जो सूखा वाला घास होता है उसको बोलते हैं, तो आप उसको भी दे सकते हैं। ये सारे रैबिट्स को देखिए कैसे ये केले के पत्ते को खा रहे हैं।
अब मैं जा रही हूँ जो दूसरा केज है उसमें डालने। इसमें छोटे खरगोश लोग हैं और एक गिनी पिग है जो बहुत लड़ता है। इसको हम दूसरे गिनी पिग के साथ रखते हैं तो ये उन लोग को काट देता है, तो हमने इसको अलग रखा है। और गर्मी बहुत है तो आप अपने पेट्स को पानी ज़रूर दें, आप उनके पास पानी रखना ना भूलें। और साथ ही साथ जो बाहर में बर्ड्स हैं या फिर जो भी गाय वगैरह आती हैं आप उनके लिए भी पानी रखिए, बंदर हो गए तो उनके लिए भी पानी रखिए। और इसको देखिए कैसे चिल कर रहा है। सुबह सुबह ज़मीन काफ़ी ठंडा होता है तो ये ऐसे ही बैठे रहते हैं। आपको लग रहा होगा कि सारे खरगोश कितने गंदे दिख रहे हैं, तो बारिश वगैरह भी होता है ना तो ये सारे मिट्टी खोद खोद के खेलते हैं, तो इसीलिए ऐसा हो गया है। और इस रूम में भी खरगोश है और मुर्गी वगैरह भी है हमारे यहाँ, तो उसको हम लोग सिर्फ शौक के लिए पाल के रखे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम उसको पाल के रखे हैं तो इसका मतलब हम खाते हैं, तो हम उसको खाते नहीं हैं, हम सिर्फ उसको पाल के रखे हैं। तो अभी मैं खोलती हूँ इसको। और ये वाले जाली को हम ऐसे कवर रखते हैं। अभी सुबह है तो धूप कम रहता है तो इसीलिए हम इसको हटा रहे हैं, फिर थोड़े टाइम बाद हम वापस से लगा देंगे क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो जाता है। और आप देख सकते हैं मुर्गे लोग को कि दो मुर्गे हैं और बाकी सब मुर्गियां हैं। और पता नहीं कैसे मुर्गियों के बाल सारे झड़ते हैं। अगर आपको इसके बारे में पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि मुर्गियों के बाल क्यों झड़ते हैं। और ये दोनों मुर्गे लड़ते भी हैं और ये खरगोश लोग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और ये वाली गिनी पिग ने 3 बच्चे जन्मे थे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और मैंने इनके में पानी नहीं रखा था तो मैं अभी रख रही हूँ। और ये देखिए मुर्गियों को। और खरगोश जहाँ रहते हैं वहाँ पे 3 पेड़ भी है, एक एक संतरे का है और 2 अनार का है। और आप देख सकते हैं कि अभी सनराइज हो रहा है। यहाँ का व्यू काफी अच्छा लग रहा है देखने में। और अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो ऐरी चिड़िया का है। टीटू इस चिड़िया का भी आवाज़ निकालता है। गजब बेइज्जती है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियोस के नोटिफिकेशन हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके। और ये खरगोश लोग आपस में लड़ाई भी करते हैं। और अभी यहाँ पे मौसम ख़राब हो गया, बारिश होने लग गया, तो अभी मैं जल्दी से इन लोग को कवर कर देती हूँ। और यहाँ पे जो इन लोग का गेट है उसको मैं उसमें कवर कर दी। और ये रैबिट सारे खुले ही रहते हैं, इनको जब ज़रूरत रहता है तो ये रूम में चले जाते हैं। और अभी मैं इन लोग को और कुछ खाने के लिए दे रही हूँ। इसमें जो धान का छिलका रहता है वो पीसा वाला है, इसमें चावल भी मिक्स है और गेहूं के बुरादे भी इसी में मिक्स हैं, तो ये सारे मिक्स वाले सब ये खाते हैं।
और आप देखिए कि कैसे ये सब एक साथ खा रहे हैं। और यहाँ देखिए पूरे काले बादल आ गए। भागो भागो भागो, जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ 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 जाओ। और यहाँ पे बारिश तेज हो गई और मैं ये घास को अंदर कर रही हूँ। और इसको हमने कल शाम को लेके आया था, वही है। और आप इसको गीले कपड़े से ढक के रखेंगे तो ये हरा ही रहता है, जल्दी सूखता नहीं है। और इनको देखिए, ये बारिश में भी घूम रहे हैं, खेल रहे हैं इधर से उधर। और मैं पैरट्स को थोड़े टाइम बाद बाहर निकालूंगी क्योंकि अभी बारिश हो रहा है। और ये रहा हमारा ब्रूनो, जो बारिश के कारण यहाँ पे आ गया है। A few moments later. चल, नहीं नहीं करेगा। तो अब मैं पैरट्स को नहलाने ले जा रही हूँ। अभी 8 बजे हैं और बारिश भी बंद हो गया है, धूप निकल गया है। और ये लोग भी सारे घूम रहे हैं इधर से उधर, और ये आ गए मुझे देख के मेरे पास। यहाँ एक बर्ड नहा रही है, जो पत्ते में पानी रुका हुआ था उसने। तो यहाँ मैंने इन लोग को बाहर निकाल लिया है नहलाने के लिए, तो चलिए इनको नहलाते हैं। मैं इनको डायरेक्ट नल के नीचे नहलाती हूँ, ऐसे प्रेस करके। तो इनको लगता है कोई फुहारा वगैरह चल रहा है, तो ऐसे ही ये लोग नहाते हैं। और मेरे पास जो नल के नीचे शावर वाला लगाने का आता है वो भी है, लेकिन उसमें ये लोग अच्छे से नहाते नहीं हैं, इसीलिए मैं उसको लगाती नहीं। तो मैं अभी बाकी केजेस को अलग रखूंगी क्योंकि इन लोग को हम ज़्यादा भिगाते नहीं हैं। अभी मैं सिर्फ मायोमिष्ठे को नहलाऊंगी। आप देखिए कैसे ये पंख फैला फैला के नहा रहे हैं। देखिए, मैं पानी डालना बंद कर दी थी, ये देख रहे हैं पानी के लिए। तो अब मायोमिष्ठी नहा चुके, अब मैं इनको और टीटू ट्विटी और गिलहरी को यहाँ पे लाके थोड़े टाइम के लिए टांगूंगी और फिर मैं इनको अंदर लेके जाऊंगी। जब तक ये सूख नहीं जाते तब तक के ये यहीं पे रहेंगे बाहर में। ये रहा ब्रूनो, अब ब्रूनो जा रहा है क्योंकि ये बच्चे लोग को देख लिया है, उनके पास ये चले गया। ये किसी को भी देखता है तो उसके पास चले जाता है खेलने के लिए। खाना खाएगा? खाना खाएगा मायू? मायो, आ जाओ बाहर, आ जाओ। तो अभी मैं इनको ड्राई फ्रूट्स दी हूँ।
तो पैरट्स को नहलाने के बाद अब मैं कछुए लोग के पानी को चेंज कर रही हूँ और साथ ही साथ उनको साफ भी कर रही हूँ। और देखिए इस कछुए को, ये सबसे बड़ा है बाकी कछुओं से, एक और बड़ा है, फिर बाकी जितने भी कछुए हैं वो सारे छोटे छोटे ही हैं। अभी मैं इनको दाना दे रही हूँ और ये लोग चावल भी खाते हैं, हम जो पका वाला चावल रहता है उसको भी डालते हैं। आप देखिए इसमें एक कछुआ है, वो चावल को खा रहा है। A few moments later. तो अभी बज रहे हैं 10:30 और मैं अभी पैरट्स लोग को खाना दे रही हूँ। थोड़े टाइम बाद मैं जो खरगोश लोग हैं उनको भी खाना दूंगी। मिस्टी गेट खोल, मिस्टी गेट खोल, मायो नहीं। खोल लड्डू, गुड बर्ड। देखिए ये लोग कैसे खाना खा रहे हैं। तो मैंने यहाँ खरगोश लोग के लिए खाना बनाया है, उस खाने को मैंने एक टब में ट्रांसफ़र कर लिया है, इसमें मिक्स करते अच्छे से बनेगा करके। तो मैंने इसमें अभी दाल डाला है और अब मैं इसमें सब्जी भी डालूंगी और फिर इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। और ये चावल ब्रूनो के लिए है। तो मैं अभी खरगोश लोग का खाना पूरा अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, थोड़ा सा भी गड़ा बसता है तो उसको वो लोग खाते नहीं हैं, तो पूरा अच्छे से मिक्स करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने पानी रखा है, तो अब मैं खरगोश लोग को खाना देने जा रही हूँ। और मैंने पहले से ही सबके पास पानी रख दिया है। तो ये रहा ब्रूनो के लिए दही। तो इसमें दही, चावल और नमक और थोड़ा सा पानी एक साथ मिक्स करके उसको देंगे। और ये रहा हमारा ब्रूनो जो दही चावल खा रहा है। इसको हम एक टाइम ऐसे ही दही के साथ मिक्स करके देते हैं और इसको देखिए कीचड़ से डूब के आया है। और यहाँ मैंने जो बाहर में बर्ड्स हैं उनके लिए पानी और चावल रखा है, इसमें पानी ठंडा रहता है। तो अब मैं पैरोट्स को अंदर लेके आ गई हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। देख रहे हैं मायो, कौन है, कौन है?